Assalamualaikum everyone, this is Kashif Fayaz from On Design. Today I'm going to show you how to customize your text in Adobe Illustrator and give you some tips and tricks. So without any further ado, let's get started. वेलकम बैक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप कोई भी टेक्स्ट लिख लें जो आपकी नीड है, आप टेक्स्ट लिख के उसका साइज इंक्रीज कर लें। उसके बाद फॉन्ट आपने सिलेक्ट करना है, याद रखिएगा फॉन्ट सिलेक्शन आपने पहले से कर लेनी है, बाद में आप चेंज नहीं कर सकते। सो मैं ये फॉन्ट सिलेक्ट कर रहा हूँ, जस्ट राइट क्लिक करके क्रिएट आउटलाइंस करें एंड अगेन राइट क्लिक करके अनग्रुप कर दें। अब आपका टेक्स्ट कस्टमाइज हो चुका है, आप इसको किसी भी तरीके के साथ एडजस्टमेंट इसकी कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पे एक लेटर मार्क लोगो बनाना चाह रहा हूँ, सो मैं कुछ इस तरीके के साथ अलाइनमेंट्स वगैरह इनकी सेट करता हूँ एंड आपको दिखाता हूँ कि मैं कैसा लोगो बनाना चाह रहा हूँ। तो जल्दी से मैं इनको सेट करता हूँ, नेक्स्ट मेथड देखो। ओके, देन मैंने कुछ इस तरीके के साथ एडजस्ट कर लिया है। जस्ट ऑब्जेक्ट में जाएं, पाथ एंड ऑफसेट पाथ, याद रखिएगा मैंने इन दोनों को सिलेक्ट किया हुआ था एंड वाइट कलर ऑफसेट पाथ का अप्लाई कर दें। उसके बाद जस्ट हमने शेप बिल्डर टूल लेना है एंड जो वाइट एरियाज जहां से आपको नहीं चाहिए ऑल के साथ डिलीट करते जाएँ एंड जहाँ पर ब्लैक आपको मर्ज करना है वहाँ पर आप ब्लैक को मर्ज करते जाएँ। इससे होगा ये कि कुछ चीज़ें पीछे चली जाएंगी एंड कुछ लाइन्स आगे आ जाएंगी, इससे एक अच्छी एक इल्यूजन क्रिएट होता है एंड लोगो आपका बहुत अट्रैक्टिव लगता है। सो ये कुछ हाली हाली सा लग रहा है, जस्ट इसमें कोई भी एलिमेंट आप ऐड कर सकते हो। मैं यहाँ से स्टार टूल लेके कुछ इस तरीके के साथ क्रिएट करके इसको सेंटर में रख देता हूँ एंड अब मैं इसका बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, आप कोई भी कलर अप्लाई कर सकते हैं। जल्दी से मैं बैकग्राउंड चेंज करता हूँ, फाइनल लुक आपको दिखाता हूँ। सो हेयर इज अवर फाइनल लुक, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। इस तरह की मजीद इंटरेस्टिंग वीडियोस, टिप्स एंड ट्रिक्स एंड क्विक ट्यूटोरियल्स के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बी क्रिएटिव।